रट के हवा भरते हैं वो वापस निकल जाती है। पंचर गाड़ी चलाएंगे तो मंजिल पे नहीं गैराज में जाएगी। इसीलिए पढ़ाई में स्ट्रगल रहता है, स्ट्रेस रहता है, और फ्यूचर में भी अधिकतर लोग पढ़ाई पूरी करने के बाद सफल नहीं हो पाते। रीजन क्या है? रीजन है आपको उस शक्ति की जरूरत है जिसे हम ब्रेन साइंस कहते हैं। पढ़ाई के में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? भूल जाना। एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए दो काम बहुत जरूरी है, क्लास में अच्छी तरह समझना जिसके लिए टीचर है, और घर पे अच्छी तरह याद करना जिसके लिए आप रिवीजन करते हैं। टीचर आपको समझाते हैं, याद नहीं कराते हैं, याद आप खुद करते हैं अपने रिवीजन से। रिवीजन करने के सही तरीके नहीं आते आपको, इसलिए जो याद करते हैं वो भूल भी जाते हैं। अक्सर हम कुछ ना कुछ भूलते रहते हैं। 5 मिनट पहले चाबी कहाँ रख दी, कुछ याद नहीं आ रहा। वो किताब कहाँ चली गई पता नहीं चल रहा। वो पेन कहाँ गुम हो गया अभी तक नहीं मिल रहा। ये बहुत ही कीमती सामान है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये समझ कर हम कुछ चीजों को इतना संभाल के रख देते हैं, कहाँ पे संभाल के रखा था वो याद नहीं आता। कई बार एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं कुछ लेने के लिए और भूल जाते हैं वहां क्या लेने आए थे। कई बार किसी से बात करते करते भूल जाते हैं किस बारे में बात कर रहे थे। कई बार किसी से मिलते हैं तो नाम भूल जाते हैं, कभी अपना फेवरेट टीवी एक्टर या एक्ट्रेस का नाम भूल जाते हैं। ये सब हमारी लाइफ में चलता रहता है, लेकिन प्रॉब्लम पढ़ाई के साथ ज्यादा है। जिंदगी में कुछ भूलने का पनिशमेंट नहीं मिलता, पर पढ़ाई में भूलने का पनिशमेंट मिलता है। क्लासरूम में भूलते तो टीचर डांटते हैं, मारते हैं, और एग्जाम में भूलते तो मार्क्स कट जाते हैं। इस डर से कि कुछ भूल ना जाए, हम अक्सर कुछ ना कुछ याद करते ही रहते हैं, स्कूल में, कोचिंग पे, घर पे। यहाँ तक कि एग्जाम शुरू होने से 2 मिनट पहले तक भी ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक बार फिर से देख लिया जाए, ये डिफिकल्ट इक्वेशन एक बार फिर से याद कर लिया जाए। ये पॉसिबल आंसर है, मैम ने कहा था जरूर आएगा, पापा सुनना है मुझे याद हुआ या नहीं हुआ, मम्मा देखना अभी भी ये लॉन्ग आंसर मुझे याद है या नहीं है। क्लासरूम में बेल बजने से पहले फ्रेंड को बोल रहे होते हैं यार ये स्क्वायर रूट तुम मुझे सुन लो, मैं तुमसे क्यूब रूट सुन लूंगा, और ये सारा कुछ तब तक चलता रहता है जब तक कि हम एग्जाम हॉल में एंटर नहीं कर जाते। एग्जाम हॉल में जाते हैं, सारा पेपर खोल के देखते हैं, कई बार बड़ा गुस्सा आता है जब हमारे सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसके लिए दिल कहता है साला सुबह तक याद था अब याद ही नहीं आ रहा। थोड़ी देर पहले पापा को सुनाया था, कल ही तो ये लॉन्ग आंसर मम्मी को अच्छी तरह रट रट के सुनाया था, इसकी स्टार्टिंग याद नहीं आ रही, कोई स्टार्टिंग बता दे। इस क्वेश्चन में 10 पॉइंट से ध्यान आ गए लेकिन 2 पॉइंट याद ही नहीं आ रहे, कहाँ चले गए? अरे ये स्क्वायर रूट के डेसिमल प्लेस में इतना कन्फ्यूजन कैसे हो गया? और कुछ ना कुछ छोड़ आते हैं, कुछ ना कुछ मिस कर देते हैं। ऐसा आप में से कितने बच्चों के साथ हुआ है? सभी के साथ हुआ। पेपर हम खत्म करते हैं, हॉल से बाहर निकलते हैं, ज्यादा गुस्सा तब आता है जब वो बदतमीज सवाल जो अंदर तो याद नहीं आया बाहर आता ही अपने आप ही याद आने लग जाता है। इस वक्त बहुत गुस्सा आता है। बाद में वो आंसर क्यों याद आया और पहले वो आंसर क्यों याद नहीं आया, बाद में वो आंसर याद आया, इस बात को साबित करता है कि वो आप भूले नहीं थे, वो आपके ब्रेन के अंदर ही कहीं ना कहीं था। यानी याद करना प्रॉब्लम नहीं है, याद तो किया था, याद रखना प्रॉब्लम नहीं है, याद तो रखा था। असली प्रॉब्लम है टाइम पर याद ना आना, जिसे बोलते हैं लॉस ऑफ रिकलेक्शन। पहली बार सुना ना ये नाम? हाँ, क्योंकि कभी किसी ने सिखाया ही नहीं। लॉस ऑफ रिकलेक्शन, इस साइंस को बोलते हैं एक्यूरेट रिकलेक्शन। आपका एग्जाम रिकलेक्शन का ही होता है, पूरे साल जो भी पढ़ा लिखा समझा और याद किया उसे रिकलेक्ट करते हैं एग्जाम में, तभी मार्क्स मिलते हैं। लेकिन आपको आज तक जिंदगी में किसी ने रिकलेक्शन साइंस सिखाया ही नहीं, और इसी वजह से बहुत सारे रीजन स्ट्रेस के और परेशानियों के पैदा हुए। इसे ठीक कर देते हैं, पढ़ाई गाड़ी का चौथा पहिया सही कर देते हैं। इसके लिए आपको चाहिए शक्ति। शक्ति यानी स्किल्स, हैबिट, एटीट्यूड, नॉलेज, टाइम मैनेजमेंट और इंटेलिजेंस। ये सब आपको मिलेगा जब आप ये जानेंगे कम टाइम में ज्यादा अच्छा रिजल्ट कैसे लाए। 90-90% मार्क्स लाने के लिए बच्चे 15-15 घंटे पढ़ाई करते हैं। ये मेरी नजर में बिल्कुल ऐसा है जैसे मच्छर मारने के लिए सारे घर को आग लगा देना। मच्छर हो गए, घर जला दो। मच्छर तो जल जाएंगे लेकिन बचपन वाला घर जिसमें पढ़ाई के साथ नॉलेज को स्किल में बदलना होता है और बहुत सारे स्किल सीखने होते हैं वो भी खत्म हो जाता है। पढ़ाई का टाइम बढ़ा करके मार्क्स बढ़ाने की सलाह तो हर कोई देता है, पढ़ाई का टाइम रिड्यूस करके कैसे मार्क्स बढ़ाए जाएं, इसके लिए समझना पड़ेगा आपको साइंस के बारे में, ब्रेन साइंस। साइंस का काम क्या है? साइंस का काम जिंदगी में टाइम को रिड्यूस करना ही तो है। अगर आप 100 किलोमीटर दूर पैदल पैदल जाएंगे नॉन साइंटिफिक तरीके से तो 2 दिन लगेंगे, और कार से जाएंगे साइंटिफिक तरीके से तो 2 घंटे लगेंगे। वो डिपेंड करता है आप जा कैसे रहे हैं। टाइम तो किलोमीटर तो उतने ही कवर हो रहे हैं लेकिन टाइम कम बदल गया। अगर आप 100 कपड़े हाथ से धोएंगे टाइम ज्यादा लगेगा, नॉन साइंटिफिक तरीका। अगर 100 कपड़े वॉशिंग मशीन में धोएंगे टाइम कम लगेगा, साइंटिफिक तरीका। अगर आप किसी को चिट्ठी लिखेंगे और वो उस तक पहुंचाएंगे टाइम ज्यादा लगेगा, 10-15 दिन लग जाएंगे। उसकी जगह आप उसको व्हाट्सएप लिखेंगे और वो भेजेंगे टाइम कम लगेगा, 1 सेकंड में पहुंच जाएगा। बात वही हो रही, रिजल्ट वही आ रहा है लेकिन टाइम बदल रहा है। क्यों? साइंस का इस्तेमाल। साइंस को लाइफ में जहां जहां इस्तेमाल करेंगे वहां वहां टाइम कम हो जाएगा, लेकिन पढ़ाई में आपका टाइम बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि वी स्टडी साइंस बट वी डू नॉट यूज साइंस इन स्टडीज। यानी कि हम साइंस पढ़ते हैं बट साइंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं पढ़ाई में। जैसे नॉर्मल साइंस लाइफ में लगने वाला टाइम को कम कर देता है, वैसे ही ब्रेन साइंस पढ़ाई और लर्निंग में लगने वाला टाइम को कम कर देता है। कैसे? क्योंकि हम तरीकों को बदल देते हैं और साइंटिफिक तरीका इस्तेमाल करते हैं। ये आपके ब्रेन के लेफ्ट और राइट ब्रेन को सिंक्रोनाइज कर देता है।
लेफ्ट ब्रेन में लॉजिक होता है, राइट ब्रेन में क्रिएटिविटी। कुछ बच्चे लॉजिकल होते हैं, कुछ बच्चे क्रिएटिव होते हैं, कुछ सब्जेक्ट लॉजिकल होते हैं, कुछ सब्जेक्ट क्रिएटिव होते हैं, लेकिन दोनों मिलके कैसे काम करें? दोनों मिलके काम करेंगे तब ब्रेन पावरफुल हो जाएगा और ऑप्टिमम क्वालिटी पे काम करेगा, फिर ब्रेन में कंफ्यूजन नहीं होंगे। जब दो बच्चे घर में आपस में लड़ते हैं तो एक ही काम को वो देर से करते हैं और बिगाड़ देते हैं, वही दो बच्चे जब मिलके काम करते हैं तो उसी काम को ज्यादा फास्ट तरीके से कर पाते हैं। ऐसे ही आपके दिमाग के दो बच्चे हैं, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं, क्रिएटिवली लॉजिकल हो जाते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, जहां जहां आप लॉजिक के साथ क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं वहां आपको टीचर तक की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद ही सीख जाते हैं। आप में से कितने बच्चों को टीवी पे या मोबाइल पे वीडियो गेम खेलना आता है? रेज योर हैंड, बताइए, आता है किसी को? सबको आता है, सबको आता है, क्या बात है। अब ये वीडियो गेम आप में से कितने बच्चे किसी टीचर, ट्यूशन टीचर या कोचिंग सेंटर से सीखते हैं? क्या आपके घर पे कोई टीचर आता है वीडियो गेम सिखाने वाला, या स्कूल में सिखाया जाता है? नहीं। वीडियो गेम भी तो एग्जाम जैसा होता है, एक लेवल क्रॉस करोगे तब दूसरा लेवल आएगा, जैसे एग्जाम में एक क्लास क्लियर करोगे तब सेकंड क्लास आएगी। तो वीडियो गेम में मजा आ रहा है, वीडियो गेम को सिखाने का, तब भी खुद ही सीख गए क्योंकि आपका ब्रेन की क्रिएटिविटी का आपने वहां इस्तेमाल किया है। अनफॉर्चुनेटली वो पढ़ाई में आप यूज नहीं करते, क्योंकि पढ़ाई में उसको यूज कैसे करना है कोई सिखाता नहीं है। मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है और दिमाग के दरवाजे खुलेंगे कैसे। इसके लिए आपको एक वर्ड सीखना है, CRISMAS। सी यानी कॉन्सेंट्रेशन, यानी लर्निंग के लिए सबसे जरूरी चीज होती है कॉन्सेंट्रेशन, यानी किसी चीज को पूरे मन लगा के, ध्यान लगा के समझना और सीखना। लेकिन आपने देखा, जब आप पढ़ाई करने बैठते तो हर 10 मिनट में ध्यान कहीं और चला जाता है, जब आप किताब खोलते तो थोड़ी देर में मन में कुछ और आने लग जाता है, या जब आप पढ़ने बैठते हैं तो या याद करने बैठते हैं तो आपको कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत पड़ती है और उस वक्त कोई खटपट या कोई आवाज आती है तो आप पढ़ ही नहीं पाते हैं। लेकिन जब आप कार्टून देखते हैं, टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, उस वक्त आपके कान में कितनी भी आवाजें दूसरी आ रही हो तब भी आप डिस्टर्ब नहीं होते। ऐसा क्यों? इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन आपकी पढ़ाई की जरूरत नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन आपके दिमाग की चीज नहीं है, वो तो इंटरेस्ट से जुड़ी हुई चीज है। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसमें कॉन्सेंट्रेशन अपने आप ही 100% है। इसका मतलब पढ़ाई की प्रॉब्लम क्या है? पढ़ाई की प्रॉब्लम ये नहीं कि उसमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन रहा, पढ़ाई की प्रॉब्लम ये है कि पढ़ाई इंटरेस्टिंग नहीं है, उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा। पढ़ाई को अगर इंटरेस्टिंग बना दिया जाए तो उसमें भी कॉन्सेंट्रेशन 100% हो जाएगा, यस और नो? आप पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाएंगे कैसे और किस तरीके से याद करें कि जिंदगी भर याद रहे, इसके लिए आपको समझने पड़ेंगे क्रिसमस के बाकी लेटर, RISMAS, रिडिकुलस थिंकिंग, इमेजिनेशन, स्लीप मैनेजमेंट, निमोनिक साइंस, एसोसिएशन और साइंस ऑफ बिलीफ। अगर मैंने ये आपको सिखा दिया तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपकी पढ़ाई में याद करना और अच्छे मार्क्स लाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है, इसके लिए कुछ बेसिक बातों को जानते हैं। आर फॉर रिडिकुलस थिंकिंग, यानी अटपटी सोच, अटपटी चटपटी, जो चीजें अजीब होती है, निराली होती है, डिफरेंट होती है, रिडिकुलस होती है, हास्यास्पद होती है, डिफरेंट, या जिन्हें देख के हंसी आती है, ऐसी चीजें दिमाग को जल्दी याद होती है और ज्यादा याद रहती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सबके नाम आप सुनेंगे आपको याद रख पाएंगे? आंसर इज नो। पर मान लीजिए किसी बच्चे का नाम हो चपड़ गंजू, तो क्या आप भूल पाएंगे? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अटपटा है, रेडिकुलस है, हमेशा याद रहेगा। कहीं गए आप जहां पर नॉर्मल से कुछ अलग लोग दिखे आपको, एक आदमी 25 फीट लंबा था, जब भी उस जगह के बारे में बात करेंगे आप जो है अपने आप ही उस विजुअल को याद रख पाएंगे क्योंकि वो डिफरेंट है। चुटकले पढ़िए और थ्योरी पढ़िए, दोनों पढ़ के देखिए, जल्दी चुटकले याद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिडिकुलस है। तो पढ़ाई तो रिडिकुलस होती नहीं है पर बनाई जा सकती है। कैसे बनाएंगे? आई फॉर इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके और ए फॉर एसोसिएशन का इस्तेमाल करके। आज तक आपको सबने ये बताया कि पढ़ाई को दिमाग में रखो, पढ़ाई को दिमाग में रखो, ये किसी ने नहीं बताया दिमाग के अंदर कहाँ रखे। केवल दिमाग में रखने से कुछ नहीं होगा, वो मैं बताता हूं कैसे। अरे भाई, आपके घर में चीजें जो हैं, क्या आपको सब चीजें टाइम पर पता है कहां पड़ी है? देखो, घर में दो तरह की चीजें हैं, एक एसोसिएटिव, दूसरी नॉन एसोसिएटिव। जो चीजें एसोसिएटेड है वो आपको टाइम पर मिल जाती है, जो जो चीजें नॉन एसोसिएटेड है वो घर में होते भी टाइम पर नहीं मिलती है। यानी कि किसी चीज का वापस मिलना या रिकलेक्शन एसोसिएशन पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर, आपके घर में कोई ना कोई चिल्लाता होगा, अरे सॉक्स लाए थे, एक मिल रहा है, दूसरा नहीं मिल रहा, पापा पेन दिलाओ। अरे अभी तो दिलाया 4 दिन पहले, कहाँ रख दिया तुम? कितनी बार पेन दिलाओ, इतने पेन इकट्ठे होकर जाते कहाँ है? चेकबुक कहाँ चली गई? आधार कार्ड नहीं मिल रहा, अरे वो उस दिन स्क्रू ड्राइवर लाए थे ना, आप देखो कहाँ चला गया। कोई भी चीज लाते हैं घर में, पता नहीं कहाँ चली जाती है, इस घर में से चीजें गायब कैसे हो जाती है? ऐसा घर में कोई ना कोई चिल्लाता है ना, क्यों चिल्लाता है? क्योंकि उसको पता होता है कि वो घर के अंदर ही है, वो लेके आया, उसने देखा है। लेकिन आपने सुना होगा पेन खो गया, चाबी खो गई, रुमाल खो गया, कभी आपने सुना
टमाटर खो गए, नींबू नहीं मिल रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मिल जाते हैं, कहाँ मिलते हैं, फ्रिज में, क्योंकि वो एसोसिएटेड मेमोरी है, उसको आपने फिर से जोड़ा है। तो जब हम किसी पिक्चरफुल चीज को किसी दूसरी पिक्चरफुल चीज से जोड़ देते हैं तो वो याद रहती है। घर में भी बर्तन कहाँ मिलते हैं, किचन में, खाना पीना कहाँ मिलता है, रेफ्रिजरेटर में, या कपड़े कहाँ मिलेंगे, अलमारी में, किताबें कहाँ मिलेंगी, बुक रैक में, जूते कहाँ मिलेंगे, शू रैक में, तो ये नहीं खोते। और जिन चीजों को हम घर में कहीं भी उठा के रख देते हैं वो खो जाती है। थोड़े दिन पहले टेबल पे देखा था, उससे पहले आले में देखा था, मिल नहीं रहा, ऐसा होता है ना। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है, टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा होता है, ये सब इसलिए होता है क्योंकि आप उन्हें कहीं भी उठा के रखते। इसी तरह से पढ़ाई को हम केवल ब्रेन में डालते हैं, ब्रेन के अंदर कहाँ डालना है वो कभी नहीं सीखा, इसलिए हम वापस भूल जाते हैं क्योंकि वो मिल नहीं रही होती। एग्जाम में भी याद नहीं आता, लाइफ में भी याद नहीं आता। आपकी दो प्रॉब्लम है, एक आपको देर से याद होता है, दूसरा आप जल्दी भूलते हैं। और होना क्या चाहिए, जल्दी याद और कभी ना भूलें। इसके लिए आपको समझने पड़ेंगे क्रिसमस के इमेजिनेशन एसोसिएशन। जो इन्फॉर्मेशन इमेज फॉर्मेट में होती है वो जल्दी याद होती है, क्योंकि हमारी आई मेमोरी सबसे स्ट्रांग मेमोरी है। हम चीजों को सबसे तेजी से याद करते हैं देखकर, और देखने के बाद भी वो याद कब आएगी, जब आप उसको आपस में एसोसिएट करेंगे। इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा, आप उन वर्ड्स को अभी याद करने की कोशिश करिए अपने प्रीवियस तरीके से। देखो, तरीके बदलने का नाम ही ब्रेन साइंस है। पहले हम पुराने तरीके से करके देखेंगे, फिर नए तरीके से। सबसे पहले पुराने तरीके से मैं कुछ वर्ड्स बोलता हूँ, आपको उनको याद करके बताना है क्या याद रहा आप, ठीक है। एक वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में 3 सेकंड का गैप रखूंगा। पहली बार आपसे मिल रहा हूं इसलिए बहुत इजी एग्जांपल दूंगा, पर देखते हैं आपकी मेमोरी किस तरह से काम कर रही है। सोफा, टाइगर, किटकैट चॉकलेट, शाहरुख खान, साइकिल, रेल का डब्बा, एलिफेंट, कब्बर सिंह, कॉकरोच, नरेंद्र मोदी जी, ब्लू कलर की बस, ग्रीन एप्पल, कलरफुल बर्ड, ट्यूबलाइट, ऑरेंज स्नेक, ब्लैक कोट पैंट, अमिताभ बच्चन, व्हाइट मारुति कार, ब्लैक रैबिट, ग्रीन ट्री, सैमसंग एलईडी टीवी, एमएस धोनी, स्विमिंग पूल, बाबा रामदेव, मैंगो आइसक्रीम, आपके इंग्लिश टीचर, क्रीम कलर का होंडा एक्टिवा स्कूटर, और क्रोकोडाइल। चलिए, 28 वर्ड्स मैंने बोले, आप में से किस बच्चे को ये पूरे 28 वर्ड्स इसी ऑर्डर में याद हो गए? कौन पूरा सुना सकता है, फर्स्ट से लेकर अभी तक पूरा कंप्लीट? देखो, अब आपका ब्रेन क्या कह रहा है, इंटरेस्टिंग तो था पर सारा याद नहीं हुआ है। अगर मैं ये लिख के दे दूं तो 10-15 मिनट में रट्टे मार के सुना देंगे। लेकिन अगर मैं बताऊं, बताओ ऑरेंज स्नेक से पहले क्या था, या बताओ कॉकरोच के बाद क्या था, या बताओ क्रोकोडाइल से पहले क्या था, तो कन्फ्यूजन हो सकता है, या बताओ साइकिल के बाद क्या था, तो कन्फ्यूजन हो गया ना। तो देखिए, अब आपका कौन सा पार्ट वीक है मैं बताता हूँ। चलो, आप में से किस बच्चे ने अपनी जिंदगी में स्कूल के एग्जाम में या टीचर को कोई आंसर उल्टा सुनाया है? उल्टा उल्टा याद किया कभी आपने कुछ? चलो, जनगण मन सबको याद है, आप में से कौन उल्टा सुना सकता है जनगण मन उल्टा? या सबको एबीसीडी याद है, ट्राई करो उल्टा बोलने की, जेड से स्टार्ट कर, तो उसको कोशिश करो, देखो दिमाग को स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि आपके जो नॉर्मल तरीका है ना पढ़ाई वाला, वो पुराना बाबा आजम का जमाने का तरीका है, पैदल वाला। जब पहले के जमाने में लोग हर जगह पैदल जाया करते थे, अब एरोप्लेन में जाते हैं, तो वो पुराना तरीका है। पुराने तरीके में यही दिक्कत होती है, देर से होता है, साइंटिफिक नहीं होता है, उल्टा सीधा एक साथ नहीं कर सकता है, सब गड़बड़ होती है। लेकिन नए तरीकों में, ब्रेन साइंस के मेथड में पावर होती है कि वो एक बार जब मेमोरी बनेगी, सीधा उल्टा बीच में से कहीं से भी पूछो, जिंदगी भर के लिए याद हो जाता है। कितना मजा है ना, आपकी किताब, आपके क्वेश्चन आंसर, आपकी स्कूल की चीजें एक बार पढ़ते ही याद हो जाए और जिंदगी भर याद रहे, कितना मजा आएगा ना। बस उसी के लिए ब्रेन साइंस होता है। अगर मैं आपको ये लिस्ट दूं, अभी मैंने जो बताया था सोफा टाइगर वाला, वो लिस्ट अगर मैं आपको दूं तो आप पुराने तरीके से रटेंगे उसको। उसमें अभी तो मैंने 28 वर्ड बोले थे, मान लो ये 28 वर्ड बढ़ा करके मैं 228 कर दूं, 2000 कर दूं, तो आपका टाइम भी बढ़ जाएगा। लेकिन ब्रेन साइंस में जरूरत नहीं पड़ती है, वो हाथों हाथ याद करता है। वो कैसे, चलिए करके देखते हैं। आपकी बार में एक सवाल पूछता हूं आपसे, पहले आपकी नॉर्मल मेमोरी को चेक करते हैं कि आपके घर वाली मेमोरी है कैसी। ब्रेन एक घर है ना, उसकी मेमोरी चेक करते हैं। जितनी भी लिस्ट मैंने बोली थी, जो लिस्ट मैंने बोली थी ना बच्चों, क्या उसमें मैंने डायनासोर बोला था, यस और नो, सोच के बताओ, सुना था क्या आपने? देखो ब्रेन कह रहा है नो 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 नो। अच्छा, क्या मैंने उसमें निडिल बोला था, सुई सुई बोला था क्या मैंने, सुई? देखो आपका ब्रेन कह रहा है नो 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 नो। अच्छा, क्या मैंने उसके अंदर
रस्सी बोला था, रस्सी रोप, देखो आपका ब्रेन कह रहा है नो 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 नो, क्या मैंने उसमें कोरोना वायरस बोला था? कोरोना वायरस, आपका ब्रेन बोल रहा है, आपने नहीं बोला बाकी पूरी दुनिया बोल रही है। तो अब मैं दोबारा पूछता हूं, अच्छा बताओ जो लिस्ट मैंने बोली थी उसमें मैंने बाबा रामदेव बोला था, देखो आपका ब्रेन बोलेगा यस 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 यस। क्या मैंने उसमें ब्लू कलर की बस बोली थी? आपका ब्रेन बोलेगा यस 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 यस। क्या मैंने उसके अंदर ऑरेंज स्नेक बोला था? आपका ब्रेन बोलेगा यस 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 यस। क्या उसमें मैंने किटकैट चॉकलेट बोला था? अभी ब्रेन बोलेगा यस 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 यस। देखा क्या शानदार मेमोरी दी है भगवान ने आपको, पहली बार मैं ब्रेन के घर में क्या चीज पड़ी है क्या चीज नहीं पड़ी है झटके से मालूम है। इसे कहते हैं मेमोराइजेशन। ये ठीक है आपका, दिक्कत कहाँ है? रिकलेक्शन। सेम घर के साथ होता है ना, चीजें घर में ही है टाइम पे नहीं मिल रही, ऐसे ही मेमोरी ब्रेन में ही है पर टाइम पे याद नहीं आ रही, ये है प्रॉब्लम। क्योंकि आज तक किसी ने सिखाया नहीं, ये टायर पंचर है आपका, हवा निकल जाती है इसकी बार बार। चलिए मैं करता हूँ वापस, आज मैं इसको रटवाऊंगा नहीं, रट्टे नहीं लगाएंगे, दोबारा रिविजन नहीं करेंगे, दोहराएंगे नहीं, इसको हम इमेजिन करेंगे। क्या करेंगे? इमेजिन, और फिर एसोसिएट करेंगे, सारे वर्ड्स को आपस में ब्रेन में जोड़ते जाएंगे और इमेजिन करते जाएंगे, देखते हैं इससे क्या होता है। नया मेथड है इमेजिनेशन एसोसिएशन, इसको यूज करते हैं। मैं दोबारा बोलूंगा बच्चों, एक ही बार बोलूंगा, प्रॉमिस करता हूँ आज से लेकर जिंदगी भर तक ये लिस्ट आपको याद रहेगी, और आप इस लिस्ट को सीधा नहीं उल्टा भी सुनाएंगे मुझे। चलो चेक करके देखते हैं। सोफा, आपके घर का सोफा दिख गया? देखो ब्रेन में दिख रहा होगा कहीं ना कहीं। उस सोफे के ऊपर एक टाइगर बैठा होगा, वो टाइगर किटकैट चॉकलेट खा रहा है। अचानक वहां पर शाहरुख खान आया, टाइगर के मुंह से किटकैट चॉकलेट छीना, साइकिल पे बैठा और भाग गया। कहां पहुंच गया? रेल के डब्बे के अंदर। साइकिल बाहर खड़ी कर दी, रेल के डब्बे के अंदर। रेल के डब्बे के अंदर क्या देखा? वहां पर एक एलिफेंट है, हाथी। अचानक वहां पर शोले का गब्बर सिंह आया, टिकट मांगने, कितने आदमी हो टिकट दो। एलिफेंट ने टिकट दिया, वो टिकट नहीं था, वो तो कॉकरोच था, डर के मारे गब्बर सिंह ने तो कॉकरोच छोड़ दिया। छोड़ते कॉकरोच उस रेल में बहुत बड़ा हो गया, रेल के डब्बे से भी बड़ा, बहुत बड़ा कॉकरोच। और उसने धीरे से अपना मुंह खोला तो उसमें से लुढ़कते 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 नरेंद्र मोदी जी बाहर आए। और नरेंद्र मोदी जी जाकर पहुंच गए कहां? रेल से बाहर निकले और एक चलती हुई बस में चढ़ गए। बस के अंदर चढ़ गए, ब्लू कलर की बस थी वो, उसके अंदर जाके देखा तो किसी भी सीट पे कोई पैसेंजर ही नहीं है, हर सीट पे ग्रीन एप्पल रखे हुए। उनके देखते वो ग्रीन एप्पल टूट गए और उसमें से रंग बिरंगी चिड़ियां निकलने लगी, कलरफुल बर्ड्स। वो सारी बर्ड जाकर पहुंच गई और बैठ गई कहां पर? आपके घर की ट्यूबलाइट पर। देखो बैठ गई आपके घर की ट्यूबलाइट पर बैठ गई, जैसे ही ट्यूबलाइट पर बैठी ट्यूबलाइट टूट गई और ट्यूबलाइट के अंदर से एक ऑरेंज कलर का स्नेक बाहर आया। वो ऑरेंज कलर का स्नेक जाकर काटता है किसको? ब्लैक कोट पैंट पहने हुए एक आदमी को। वो ब्लैक कोट पैंट पहना हुआ आदमी कौन है? ऑरेंज स्नेक को ब्लैक कोट पैंट बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो काटने के लिए दौड़ता है। और ब्लैक कोट पैंट पहना हुआ आदमी कौन है? वो है अमिताभ बच्चन। अरे भैया बचाओ हमको, जल्दी से बचाओ भैया, और भाग करके जल्दी से वो एक व्हाइट कलर की मारुति कार में बैठ गए। और वो मारुति कार तेजी से चलाई और वो कार टकरा गई किससे? कार चला रहे थे अमिताभ बच्चन, कार व्हाइट मारुति कार टकरा गई। किससे टकरा गई? आपके घर से भी बड़े, 2 मंजिल बड़े, बहुत बड़े एक ब्लैक रैबिट से, बहुत बड़ा रैबिट उसके पैर से टकरा गई। टकराते रैबिट का बैलेंस बिगड़ा, रैबिट पीछे गिरा, एक ग्रीन ट्री पे पेड़ के ऊपर गिरा, बहुत बड़ा पेड़ था। जैसे ही गिरा पेड़ हिल गया और पेड़ की एक डाल पर सैमसंग एलईडी टीवी रखा हुआ था वो ऑन हो गया। टीवी के ऑन होते ही टीवी के अंदर से टीवी तोड़कर बाहर निकला एमएस धोनी। कहां पहुंचा वो? स्विमिंग पूल में छपाक। जैसे ही गिरा स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल का पानी उछला किस पर? किनारे पे खड़े हुए बाबा रामदेव पर। वो बाबा रामदेव वहां पर क्या कर रहे हैं? बाबा रामदेव वहां पर पतंजलि मैंगो आइसक्रीम बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं? आपके इंग्लिश टीचर को बेच रहे हैं। इंग्लिश टीचर मैंगो आइसक्रीम लेके किस पे बैठ गए? क्रीम कलर के होंडा एक्टिवा स्कूटर पे। उस स्कूटर पे उनके पीछे उनका बेटा बैठा हुआ है, वो कौन है? क्रोकोडाइल। चलिए इतने सारे नाम मैंने बताए, जल्दी से चैट बॉक्स खोल लो, चैट बॉक्स खोल लो। कहाँ गया चैट बॉक्स? चैट बॉक्स खोल लो, खोल लो, खोल लो। सबने चैट बॉक्स खोल लिया। ओके, अब मैं पहला वर्ड बोलूंगा, फिर जिस जिसको जो जो वर्ड याद आया, जैमी, जयश्री, आकांक्षा, जिसको जो याद आता जाता है लिखते जाना। नेक्स्ट वर्ड आप बताएंगे, फर्स्ट वर्ड मैं बोलूंगा और देखते हैं आपका ब्रेन आपको क्या आंसर देता है। एसोसिएशन इमेजिनेशन का कमाल चेक करते हैं। सबसे पहला वर्ड है सोफा। सोफे के बाद उस पर कौन बैठा हुआ है? नेक्स्ट वर्ड जल्दी टाइप करो, बताओ जल्दी से, व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? सोफे के ऊपर कौन है, कौन बताएगा सबसे पहले? कौन लिखेगा? टाइगर। वेरी गुड सार्थक, वेरी गुड अर्चिता। टाइगर क्या कर रहा है? व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे, आपका ब्रेन बताएगा। ब्रेन को सवाल देंगे, ब्रेन जवाब देगा। ब्रेन को सवाल देंगे, टाइगर क्या कर रहा था, उसके हाथ में क्या था, वो क्या खा रहा था? कैन यू टेल मी द नेक्स्ट वर्ड? जल्दी से बताओ,
कैन यू राइट द आंसर हेयर? किटकैट चॉकलेट, वेरी गुड सार्थक, फैंटास्टिक। किटकैट चॉकलेट छीनी किसने? व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? किसने छीनी किटकैट चॉकलेट? जल्दी बताओ, कौन आया था क्रिकेट चॉकलेट छीनने के लिए? हु वाज दैट पर्सन? क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? क्या आपको ब्रेन में दिखाई दे रहा है कुछ? शाहरुख खान, वेरी गुड सार्थक, बहुत इंटेलिजेंट है शाहरुख खान। शाहरुख खान किस पे बैठ के भागा चॉकलेट छीन करके? किसके किस पे बैठ के भागा? व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? कैन यू टेल मी द इंस्ट्रूमेंट? जल्दी बताओ, शाहरुख खान किस पे बैठ के भागा? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है, साइकिल पे बैठ के भागा। बहुत बढ़िया, साइकिल खड़ी कर दी कहाँ? व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? कैन यू टेल मी साइकिल कहाँ खड़ी कर दी? जल्दी बताओ, साइकिल कहाँ खड़ी है? ट्रेन के अंदर, वेरी गुड अर्चिता, वेरी गुड खालदीजा। साइकिल ट्रेन के बाहर खड़ी कर दी, ट्रेन के अंदर क्या था? उसकी सीट पे, सामने वाली सीट पे कौन बैठा हुआ है? नेक्स्ट वर्ड, देखो एग्जाम चल रहा है, सवाल आ रहा है, जवाब आपको देना है। एलिफेंट, बिल्कुल राइट आंसर, एलिफेंट, 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 एलिफेंट के पास में कौन आया टिकट मांगने? व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? नेक्स्ट वर्ड कौन बताएगा जल्दी से आपके ब्रेन में? किसके ब्रेन में पिक्चर आ चुका है? गब्बर सिंह, वेरी गुड। गब्बर सिंह को एलिफेंट ने क्या दिया था जिससे वो डर गया था? व्हाट वाज द नेक्स्ट वर्ड? कैन यू टेल मी? जल्दी से बताओ, गब्बर सिंह के हाथ में क्या था जिससे वो डर गया था? क्या दिया गया उसको टिकट के बदले में? कैन यू टेल मी? कैन यू टेल मी? जल्दी बताओ, कौन बताएगा, कौन बताएगा? सार्थक बताओ। ओहो, सार्थक ने बता दिया कॉकरोच, शाबाश। कॉकरोच, 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 हर्षिता ने बता दिया कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर से कौन निकला जब उसने मुंह खोला? कैन यू टेल मी द नेक्स्ट वर्ड? देखो एग्जाम चल रहा है, मैं सवाल पूछूंगा, जवाब आप देंगे, मैं सवाल पूछूंगा, जवाब आप देंगे। कॉकरोच के अंदर से कौन निकला? व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? नेक्स्ट वर्ड क्या है? कॉकरोच के बाद क्या है? सार्थक ने, दिशा ने, सबने बता दिया, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी कहां पहुंच गए? कैन यू टेल मी द नेक्स्ट वर्ड? ट्रेन से उतर के कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए? कैन यू टेल मी द नेक्स्ट वर्ड? किसमें चढ़ गए थे वो? कौन बताएगा जल्दी से बताओ ब्रेन के पास? ब्लू बस, शाबाश दिशा, शाबाश सार्थक। ब्लू बस, ब्लू बस के अंदर क्या है जल्दी से बताओ? ब्लू बस के अंदर क्या है? ब्लू बस के अंदर सीट के ऊपर क्या रखा होता है? नेक्स्ट वर्ड आपके ब्रेन में आना चाहिए। चलिए कौन बताएगा, कौन बताएगा? मैं बताऊं, आप बताओ? खालिद ने बता दिया, सबने बता दिया, हर्षिता ने, दिशा ने, सार्थक ने। ग्रीन एप्पल, ग्रीन एप्पल, वेरी गुड। ग्रीन एप्पल के अंदर से क्या निकला? एप्पल टूट गया। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? कैन यू टेल मी द नेक्स्ट वर्ड? कैन यू टेल मी? ग्रीन एप्पल के बाद का वर्ड बताइए। ग्रीन एप्पल टूट गए, कलरफुल बर्ड्स, वेरी गुड। सबने बता दिया बर्ड, बर्ड्स, बर्ड, कलरफुल बर्ड, वेरी गुड। बर्ड जाकर बैठ गई कहाँ? देखो एग्जाम ऐसे ही होता है ना, सवाल आ गया। बर्ड जाकर बैठ गई कहाँ? व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? देखो अचानक भौमिक के दिमाग में आ गया, ट्यूबलाइट। कहाँ से आ रहा है? ब्रेन से। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये टेक्निक का कमाल है। ट्यूबलाइट टूट गया, ट्यूबलाइट में से कौन निकला जल्दी से कौन बताएगा? नेक्स्ट वर्ड, ट्यूबलाइट के बाद वाला वर्ड कौन बताएगा? ओके, आप बताओगे, मैं बताऊंगा, जल्दी बताइए। ऑरेंज स्नेक, ऑरेंज स्नेक, सबने बता दिया, सारे बच्चों को याद आ गया। ऑरेंज स्नेक किससे नफरत करता है, किसके पीछे पड़ गया, क्या, किस चीज से? ओके, वेरी गुड। ब्लैक कोट पैंट, ब्लैक कोट पैंट किसने पहना हुआ था? कैन यू टेल मी द नेक्स्ट वर्ड? अमिताभ बच्चन, वेरी गुड। अमिताभ बच्चन किसमें बैठ के भागे, किसमें बैठ के क्या चला रहे थे वो? कैन यू टेल मी द नेक्स्ट वर्ड? किसमें बैठ के भागे, साइकिल में, हवाई जहाज में, किसी और चीज में? जल्दी सोच के बताओ। मारुति कार, भौमिक, वेरी गुड। मारुति कार, वेरी गुड। मारुति कार टकरा गई किससे? व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? कैन यू टेल मी? टकरा गई, टकरा गई, टकरा गई, टकरा गई। रैबिट, वेरी गुड, वेरी गुड। भौमिक, वेरी गुड। कल टकरा गई एक बहुत बड़ा रैबिट से, ब्लैक रैबिट गिर गया किस पे? व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? उसके पीछे क्या था? ट्री, वेरी गुड, वेरी गुड। सबने बता दिया ट्री, ट्री, ट्री। ट्री की डाल पर क्या था? नेक्स्ट वर्ड, क्वेश्चन आ गया, आंसर आप बताएंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ट्री के बाद क्या है? सैमसंग एलईडी टीवी। सैमसंग एलईडी टीवी ऑन हो गया, उसके बाद वाला वर्ड बताइए। उसके बाद का नेक्स्ट वर्ड क्या है, क्या निकला उसमें से? एमएस धोनी, वेरी गुड। एमएस धोनी, एमएस धोनी, एमएस धोनी जाकर कहीं गिरा किस में? नेक्स्ट वर्ड आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे। स्विमिंग पूल, वेरी गुड दिशा। स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल का पानी उछल गया किस पे? मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे। बाबा रामदेव, देखो सार्थक ने बता दिया। बाबा रामदेव, देखो मान्या ने बता दिया। बाबा रामदेव के हाथ में क्या है जो वो बेच रहे हैं? नेक्स्ट वर्ड आप बताइए। आइसक्रीम, कौन सी आइसक्रीम अर्चिता? जल्दी बताओ, आइसक्रीम का फ्लेवर बताओ। क्या याद आ रहा है कुछ आपको? क्या देखा था? मैंगो आइसक्रीम, वेरी गुड मान्या, वेरी गुड। मैंगो आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम किसको दी थी, कौन ने खरीदी वो? वेरी गुड सार्थक, इंग्लिश टीचर है, देखो उसने बता भी दिया, इंग्लिश टीचर, वेरी गुड। इंग्लिश टीचर उसके बाद किस पे बैठ के निकल गए, किस पे बैठे थे? कैन यू टेल मी द नेक्स्ट वर्ड? इंग्लिश टीचर के बाद वाला वर्ड बताइए। कैन यू टेल मी द नेक्स्ट वर्ड? यस, क्रीम होंडा एक्टिवा स्कूटी। और स्कूटी के पीछे की सीट पे कौन बैठा हुआ है? लास्ट वर्ड, 28th वर्ड आ गया, आखिरी वर्ड कौन बताएगा सबसे पहले? क्रोकोडाइल, वेरी गुड। दिशा ने बता दिया, मान्या ने बता दिया, हिस्सा सार्थक बता रहा है, क्रोकोडाइल। पहली बार में याद, और बजाओ ताली, क्योंकि अब आपने फर्स्ट टाइम लाइफ में विदाउट रिवीजन याद किया है। क्या याद किया, क्या किया आपने? आपने रिवीजन किया लेकिन टेक्निक को बदल दिया। इस बार आपने रटा नहीं, दोहराया नहीं, बार बार नहीं देखा, केवल इमेजिन किया, एसोसिएट किया। ऐसा करते ही आपकी ब्रेन ने परमानेंट मेमोरी को पैदा कर दिया। और पता है आपको दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रहेगा।
एक महीने बाद भी पूछूंगा, बताओ टाइगर क्या कर रहा है, आप बोलोगे किटकैट चॉकलेट खा रहा है। 2 महीने बाद भी कहूंगा ना कि बताओ सैमसंग एलईडी टीवी में से कौन निकला, आप बोलोगे एमएस धोनी निकला। 6 महीने बाद भी अगर गलती से टीवी पर आपको नरेंद्र मोदी जी दिखे तो अचानक याद आएगा कि आए कहाँ से थे, अपने आप ध्यान आएगा कॉकरोच में से। अब वो वहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा कॉकरोच में से निकलते रहेंगे। यानी ये लाइफ टाइम मेमोरी बन चुकी है अब आप। और इसको साबित करने के लिए आज हम इस आंसर को उल्टा सुनेंगे। चलो बच्चों, सबका टेस्ट वापस हो रहा है लेकिन उल्टा, आज तक कोई आंसर आपने उल्टा नहीं सुनाया लेकिन ये सुनाएंगे आप। चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से वापस चैट बॉक्स खोल लो, कीबोर्ड के सामने आ जाओ, देखते हैं कौन फर्स्ट करता है। लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड इज क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल से पहले, क्रोकोडाइल से पहले, क्रोकोडाइल से पहले कौन बताएगा क्या वर्ड है? क्रोकोडाइल से पहले वाला वर्ड जल्दी टाइप करिए, लिखिए। व्हाट वाज, यस, होंडा एक्टिवा स्कूटर। होंडा एक्टिवा स्कूटर से पहले वो कौन चला रहा था, जल्दी से बताइए। स्कूटर से पहले कौन है? यस, टेल मी द प्रीवियस वर्ड। ब्रेन को देखो, भौमिक ने बता दिया, शाबाश भौमिक, शाबाश वेदांशी, इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर के हाथ में क्या है, उनको क्या दिया गया था, उनके हाथ में क्या है? प्रीवियस वर्ड। मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे, नहीं बताएंगे तो फिर क्या होगा, बताओ जल्दी बताओ। मैंगो आइसक्रीम, फैंटास्टिक। मैंगो आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम किसने दी? देखो प्रीवियस वर्ड, मैंगो आइसक्रीम से पहले क्या है, जल्दी से बताओ। उनसे पहले क्या है? रामदेव बाबा। 1 सेकंड में याद आ गया मान्य को, रामदेव बाबा से पहले क्या है, रामदेव बाबा से पहले क्या है? मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ, कौन सा बच्चा सबसे पहले बताएगा रामदेव बाबा से पहले क्या है? द प्रीवियस, रामदेव बाबा से पहले क्या है? स्विमिंग पूल। वेरी गुड भौमिक, बिल्कुल सही आंसर। मान्या बिल्कुल सही, दिव्या बिल्कुल सही। स्विमिंग पूल से पहले क्या है, व्हाट इज प्रीवियस देन स्विमिंग पूल, क्या है स्विमिंग पूल से पहले? एम एस धोनी, शाबाश। एम एस धोनी से गिरे थे ना, एम एस धोनी कहाँ से आ गया भाई, कहाँ से आ गया जल्दी बताओ। शाबाश हर्षिता, शाबाश भौमिक, टीवी से आ गया। टीवी कहाँ रखा हुआ है, टीवी कहाँ रखा हुआ है? देखो मान्या ने बता भी दिया, मान्या पांडे ने, टीवी ट्री पर रखा हुआ है, यानी कि पहले, उससे पहले वाला वर्ड ट्री। ट्री से पहले, ट्री से पहले, ट्री के ऊपर कुछ गिरा होगा तभी ट्री हिला होगा। ट्री से पहले, ट्री से पहले कौन बताएगा, कौन बताएगा जल्दी बताओ। वेरी गुड ब्लैक रैबिट, भौमिक को याद आ गया। रैबिट, रैबिट से क्या टकराया था, व्हाट वाज दैट थिंग दैट हिट रैबिट? कार। फैंटास्टिक, व्हाइट मारुति कार। सार्थक ने बिल्कुल सही बताया, व्हाइट मारुति कार। व्हाइट मारुति कार कौन चला रहा था, हु वाज ड्राइविंग दैट कार, कैन यू टेल मी? अमिताभ बच्चन। देखो दिशा ने आंसर दे दिया, दिशा गहलोत ने, अमिताभ बच्चन। भौमिक ने भी आंसर दे दिया, अमिताभ बच्चन ने क्या पहन रखा था, प्रीवियस वर्ड, उससे पहले क्या पहन रखा था, क्या पहन रखा था, कौन बताएगा मुझे अमिताभ बच्चन ने पहना हुआ क्या था? देखो बता दिया सबने, ब्लैक कोट पैंट। ध्रुवी ने बता दिया, काव्या ने बता दिया, हो वेरी गुड वेरी गुड। ब्लैक कोट पैंट का पीछा कौन कर रहा था, जिसको पसंद नहीं था, कौन पीछा कर रहा था उससे, ब्लैक कोट पैंट से पहले? देखो कितना अच्छा दिशा ने लिख दिया है, ऑरेंज स्नेक, ऑरेंज स्नेक सांप। वेरी गुड, ड्राइंग भी बना के बताइए। और ऑरेंज स्नेक कहाँ से आ गया, प्रीवियस वर्ड, प्रीवियस टू ऑरेंज स्नेक। वेरी गुड सार्थक, सबसे पहले सार्थक ने बताया, भौमिक ने बताया। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट, वेरी गुड। ट्यूबलाइट से पहले वाला वर्ड, ट्यूबलाइट के ऊपर, ट्यूबलाइट से पहले वाला वर्ड। देखो ब्रेन से पूछो, ब्रेन आंसर देगा, ब्रेन से पूछो, ब्रेन आंसर देगा। कलरफुल बर्ड, कलरफुल बर्ड, कलरफुल बर्ड कहाँ से आ गई, कहीं से तो आई होगी। ओके वेरी गुड, कौन बताएगा जल्दी से, कलरफुल बर्ड से पहले वाला वर्ड? देखो आशुतोष ने बता दिया, सार्थक, गीतिका, ध्रुवी सब बता रहे हैं कि ग्रीन एप्पल। वेरी गुड काव्या, वेरी गुड सिमरन, ग्रीन एप्पल। ग्रीन एप्पल कहाँ रखे हुए, प्रीवियस वर्ड, उससे पहले वाला, एक झटके में ब्रेन बता रहा है, बस बस बस। और कई लोग तो और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उससे पहले वाला भी बता दिया है। बस में कौन चढ़ा था, देखो उन्होंने बता दिया, नरेंद्र मोदी। वेरी गुड, नरेंद्र मोदी बस में चढ़े थे। नरेंद्र मोदी से पहले क्या है, नरेंद्र मोदी जी से पहले क्या, कहाँ से निकले वो जल्दी से बताइए। देखो भौमिक को आंसर याद आ गया, कॉकरोच। दिशा को आ गया कॉकरोच, वेरी गुड, कॉकरोच, कॉकरोच, कॉकरोच। और कॉकरोच किसके हाथ में था, कैन यू टेल मी दैट पर्सन स्नेम, जिसने छोड़ दिया था? गब्बर सिंह, याद आ गया देखो एक झटके में, गब्बर सिंह, यानी कॉकरोच से पहले गब्बर सिंह। गब्बर सिंह से पहले दिया किसने था, गब्बर सिंह को, गब्बर सिंह से पहले। देखो सार्थक बता रहा है, भौमिक बता रहा है, सब बता रहे हैं, हर्षिता बता रही है। एलिफेंट, एलिफेंट बैठा कहाँ है, वो जगह का नाम बताइए, एलिफेंट कहाँ बैठा है, कैन यू टेल मी, उससे पहले वाला वर्ड, एलिफेंट कहाँ है? ट्रेन में। वेरी गुड, ट्रेन के बाहर क्या खड़ा हुआ है, ट्रेन के बाहर क्या, कौन सा व्हीकल खड़ा है, कैन यू टेल मी? वेरी गुड, साइकिल, साइकिल प्रीवियस वर्ड याद आ गया। साइकिल चला कौन रहा था, व्हाट वाज द प्रीवियस वर्ड, साइकिल कौन चला रहा था, कैन यू टेल मी दैट पर्सन नेम? शाहरुख खान, माने ने बता दिया, शाहरुख खान। ओके भौमिक ने, सार्थक ने, सबने बता दिया। शाहरुख खान ने क्या छीना, क्या लेके भाग रहा था वो, क्या छीना? अरे दिव्या ने बता दिया, किट कैट गैलेक्सी ने बता दिया, किट कैट गैलेक्सी फोन का नाम है। मान्या ने बता दिया, काव्या ने बता दिया, आशुतोष ने बता दिया, भौमिक ने बता दिया, चॉकलेट, किट कैट चॉकलेट। किट कैट चॉकलेट खा कौन रहा था, प्रीवियस टू क्रिकेट चॉकलेट, कौन बताएगा, प्रीवियस वर्ड बताइए। टाइगर खा रहा था, वेरी गुड। और टाइगर बैठा कहाँ है, पहला वाला वर्ड आप बताइए, शाबाश। सोफा। सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत तालियां, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। उफ, इस बार आपने याद किया नहीं, आपको याद हुआ। जो हम याद करते हैं वो याद नहीं रहता, जो याद होता है वो याद रहता है। पढ़ाई हम याद करते हैं, याद नहीं रहती। मूवी हम याद करने के लिए देखते हैं, वो याद होती है इसलिए याद रहती है। कार्टून याद होते हैं इसलिए याद रहते हैं।
कहीं हम घूम के आते हैं, वहां की बातें हमें याद होती है इसलिए याद रहती है, पढ़ाई को भी याद होने वाला कराना है आपको। ये जो मेथड था आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यही मेथड से आप सारी पढ़ाई कराते हैं, आंसर इज नो। ये सिर्फ आज मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि ऐसे मेथड होते हैं जो दूसरे तरीके से भी याद करवा देते हैं। मजा आया ना? आपको हमेशा याद रहेगा, जब भी अपने घर का सोफा देखोगे ना, टाइगर भी दिखेगा। जब भी किटकैट चॉकलेट देखोगे, शाहरुख खान भी दिखेगा। जब साइकिल देखोगे, ट्रेन दिख जाएगी। एलिफेंट देखोगे, गब्बर सिंह दिख जाएगा। ऐसे चलता ही रहेगा, अभी परमानेंट मेमोरी बन गया है अब आपकी। लेकिन इसको पढ़ाई में कैसे यूज करें? पढ़ाई में यूज करने के लिए आपको समझना पड़ेंगे स्लीप मैनेजमेंट, निमोनिक साइंस और साइंस ऑफ बिलीफ। आपका ब्रेन करोड़ों किताबें और बहुत सारी इंफॉर्मेशन याद कर सकता है, लेकिन हम कुछ भी याद इसलिए नहीं करते क्योंकि आपका तरीका गलत है। निमोनिक साइंस का मतलब होता है साइंस ऑफ रिकलेक्शन। ये वो साइंस है जो पढ़ाई को आसानी से याद कराना और जिंदगी भर याद रखना सिखाता है। ये एक टूल बॉक्स के जैसा है। क्या आप समझते हैं टूल बॉक्स किसे कहते हैं, क्या होता है टूल बॉक्स? चलिए मैं बताता हूं। ये देखिए, ये होता है टूल बॉक्स। जब आपके घर पे कोई चीज खराब हो जाती है, जैसे कि पेन खराब हो गया, चाबी खराब हो गई, या मान लीजिए अपने सॉरी आपके घर पे कोई एसी खराब हो गया, या टीवी खराब हो गया, या फ्रिज खराब हो गया, या कार खराब हो गई, कभी कोई चीज खराब हो जाती है, तो आप उसे खुद ठीक करते हैं या किसी मैकेनिक को बुलाते हैं? कॉमन सेंस की बात है, हम मैकेनिक को बुलाते हैं। हम मैकेनिक को क्यों बुलाते हैं? क्योंकि आपको पता है कि वो चीज आप ठीक नहीं कर सकते, उसकी नॉलेज मैकेनिक के पास ही है। लेकिन आपने देखा मैकेनिक आपसे कम पढ़ा लिखा होता है, फिर भी उसको ठीक कर देता है। क्यों? क्योंकि उसकी नॉलेज सब्जेक्ट में ज्यादा है। सब्जेक्ट की नॉलेज लेने के लिए आप स्कूल जाते हो। लेकिन एक एग्जाम्पल और है कि मान लो मैकेनिक आपके घर पे आए जिसके पास पूरी चीजों को ठीक करने की नॉलेज है, लेकिन उसके हाथ में क्या होता है? नॉलेज ब्रेन में होती है, हाथ में क्या होता है? हाथ में टूल बॉक्स होता है। सोचिए अगर कोई मैकेनिक टूल बॉक्स लाए ही ना, तो क्या नॉलेज होते हुए भी वो उसे ठीक कर सकता है? आंसर इज नो। यानी नॉलेज के साथ साथ नॉलेज को एक्शन में बदलने का टूल भी चाहिए, परमानेंट रिजल्ट लाने वाला। बस आपके साथ क्या है, स्कूल में नॉलेज तो मिल रही है, लेकिन आपके पास उस नॉलेज को परमानेंट करने का टूल नहीं है, और इसी वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ता है। आइए मैं देता हूं वो टूल। इसे कहते हैं टूल ऑफ ब्रेन साइंस या टूल ऑफ स्टडी। ये आपके लर्निंग साइकिल को कंप्लीट करता है और पढ़ाई में आसानी से याद करना सिखाता है। एंड दैट इज कॉल्ड द टूल बॉक्स। ये रहा, ये देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। ये सारे के सारे मेथड्स हैं, वो मेथड जो पढ़ाई के अलग अलग सब्जेक्ट का टूल बॉक्स है, अलग अलग टूल है। जैसे कि आपको स्क्रू खोलना होता है तो स्क्रू ड्राइवर चाहिए होता है, नट खोलना होता है तो आपको पाना यानी रेंच चाहिए होता है, अगर आपको वायर काटना होता है तो कटर चाहिए होता है, अगर वायर जोड़ना होता है तो प्लायर चाहिए होता है। इस तरह से अपना एक पूरा टूल बॉक्स होता है ना। दीवार में छेद करना तो आपको जो है वो ड्रिलर चाहिए होता है, ड्रिल मशीन चाहिए होती है। तो इस तरह से हर चीज का टूल होता है। ऐसे ही आपके साथ क्या है, आपने एक ही चीज सीखी है, रटना और दोहराना। चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, लॉन्ग आंसर हो, शॉर्ट आंसर हो, सबको आप रट्टे मार के दोहरा के याद करते हैं, इसीलिए भूल जाते हैं। सबका अपना अपना टूल है। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, डेफिनेशन, डेरिवेशन, वोकैबुलरी, डिक्शनरी, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, पूरी किताब याद करना, पूरा चैप्टर याद करना, शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एसोसिएशन फॉर्मूलाज, मैप डायग्राम, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ये सब याद करने का अपने अपने अलग अलग मेथड होते हैं और अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं, और उन सारे अलग अलग मेथड के अपने नाम हैं जो क्या काम आते हैं वो बताते हैं, और दैट इज कॉल्ड एज ब्रेन साइंस। आइए मैं आपको ब्रेन साइंस का एक रिव्यू देता हूँ। ब्रेन साइंस एक ऐसा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जो आपको घर बैठे ही मेमोरी टेक्निक्स सिखाता है। ये सारी मेमोरी टेक्निक जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई, वो सारी की सारी अब आपको या तो आपको हमारे शहर आना पड़ेगा और या फिर आप घर बैठे सीख सकते हैं, क्योंकि पूरे इंडिया में हम ही कराते हैं। आपको पता है अगर आप गूगल पे मेरे बारे में सर्च करेंगे, इंडिया ही नहीं, अमेरिका, सऊदी अरबिया और बहुत सारे कंट्रीज के बच्चों को हम ट्रेनिंग देते हैं ऑनलाइन, क्योंकि वहां भी मेमोरी ट्रेनर्स नहीं है। पूरे वर्ल्ड में मेरी रैंकिंग नंबर वन आती है, चाहे तो आप चेक करें गूगल पे डाल के, बेस्ट मेमोरी ट्रेनर इन द वर्ल्ड, बेस्ट ब्रेन साइंस ट्रेनर इन द वर्ल्ड, एक्सपर्ट इन द वर्ल्ड, देखिए क्या नाम आता है। और मैंने डॉक्टर मनाल तैबत, जो कि सऊदी अरबिया में रहते हैं, जो कि सबसे ज्यादा बड़े ब्रेन साइंस एक्सपर्ट थे, 2018 में इंडिया का नाम 25th नंबर पे आता था ब्रेन साइंस में, नंबर वन था सऊदी अरबिया, नंबर टू मेक्सिको। मैंने इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, और मैंने ही नहीं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, और आज हम पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं मेमोरी ट्रेनिंग को लेकर,
और ब्रेन साइंस ट्रेनिंग को लेकर, और आप हमारे सारी मेमोरी ट्रेनिंग के एक्सपर्ट चीजों को घर बैठे ही सीख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेनवुड ब्रेन साइंस। और ये देखिए, एक पेरेंट ने 35 गवर्नमेंट के एग्जाम क्रैक करके दिखाए विद द हेल्प ऑफ ब्रेन साइंस, बहुत सारे बच्चों ने रिकॉर्ड बनाए, और आज ये ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत पावरफुल चीज है मेमोरी ब्रेन साइंस, जो कि इंडिया टीवी पर मैं बहुत सारे बच्चों को लेकर गया हूँ जिन्होंने बताया कि ये साइंस किस तरह से काम आता है, ये लर्निंग साइकिल को कंप्लीट करता है। तो क्यों ना अब आपको भी ये चीज दिखाई और सिखाई जाए। तो ये कहाँ सीखने को मिलेगा, चलिए मैं बताता हूँ। इट्स वेरी सिंपल, ये है ब्रेन साइंस सॉफ्टवेयर। आप चाहे तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से, गूगल प्ले स्टोर पर टाइप कीजिए ब्रेनवुड लर्निंग और आपको एप्लीकेशन मिलेगी, वो डाउनलोड कर लीजिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक फ्री डेमो है ब्रेनवुड लर्निंग ब्रेन साइंस का, ब्रेनवुड इंडिया। इसमें आप को कैसे सीखेंगे, ऐसे वीडियोज हमने बनाए हैं जो सारे मेमोरी मेथड्स को घर बैठे सिखाते हैं। 22 मेमोरी मेथड्स हैं, 28 उनके एक्सटेंशन एप्लीकेशन हैं सब, और इसके साथ साथ 58 से ज्यादा एप्लीकेशन है, 100 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट है। हर महीने नई नई वेब सीरीज आती है, नया नया कंटेंट आता है, और आपकी मेमोरी ट्रेनिंग चलती रहती है। अगले 6 महीने तक आपको मेमोरी ट्रेनिंग करनी है, लेकिन 15 दिन में ही आपको उसका असर दिखेगा और बहुत सारे चीजों को आप आसानी से याद कर पाएंगे। जब मान लीजिए 15 दिन बाद आप पॉइंट वाले आंसर याद करना सीख जाएंगे, 20 दिन बाद आप डायग्राम याद करना सीख जाएंगे, 25 दिन बाद आप लॉन्ग आंसर याद करना सीख जाएंगे, 30 दिन बाद आप ज्योग्राफी के मैप्स और इस तरह की चीज सीख पाएंगे, और एक टाइम ऐसा है जब पूरी किताब आप पेज नंबर से याद कर सकते हैं। तो ये सब एक पूरी प्रोग्रेस है। आज आप पढ़ाई को समझते हैं, आपने पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, समझना सीखा, वो भी 6-7 महीने लगे ना, आपने रीडिंग करना सीखा, ABCD से सेंटेंस बनाना सीखा, उसी तरह से मेमोरी ट्रेनिंग आपने कभी नहीं ली, वो ट्रेनिंग आपको घर बैठे मिल सकती है इस सॉफ्टवेयर की मदद से। और ये आपको मिल सकता है कहाँ से, जहां से आज ये लिंक आया है। ये सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, आपके पास यहाँ पर इस पेज पे जब आप आएंगे तो पहले यहाँ पर कुछ डेमो वीडियोस मिलेंगे। इन डेमो वीडियोस से आप घर बैठे ही अभी इसका डेमोस्ट्रेशन लेकर के समझ सकते हैं कि पढ़ाई में कैसे काम होता है। जो मैंने एग्जांपल दिया वो पढ़ाई का नहीं था, वो लाइफ का एग्जांपल था, लेकिन यहाँ पर पढ़ाई के एग्जांपल्स हैं, राइट। और जब ये कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद में फिर आपको जाना है कहाँ पर, ये देखिए, कोर्सेज में। जब आप कोर्सेज में जाते हैं तो आपने वेब सीरीज देखी है, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम हॉटस्टार पर वेब सीरीज आती है अलग अलग, वैसे ही पढ़ाई की वेब सीरीज है मेमोरी ट्रेनिंग की, जिसमें पढ़ाई की जीके भी आती है, जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए इंग्लिश वीडियोस भी हैं, और अलग अलग लेवल पर वेब सीरीज है। टोटल 5 लेवल में आपकी स्टडी होती है, हर लेवल 1 महीने तक आपको ट्रेनिंग देता है, 5 महीने में आप इस पर पारंगत हो जाते हैं। और एक कमाल की बात, केवल इतना ही कंटेंट नहीं है, हर महीने 2 नई वेब सीरीज आती भी है, यानी कि ये कंटेंट आपको और मिलता रहेगा, आपको मजा आएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये ओपन करना है, और 1 घंटे जैसे आप मान लीजिए कोई सा भी लेवल ओपन करिए, देखिए कर लेते हैं, ये कर लिया अपन ने, तो उसमें एक लेवल में एक टॉपिक नहीं है, उसमें एपिसोड्स हैं अलग अलग। ये देखिए, ये रहे एपिसोड्स, है ना, ये रहे, फिर हर एपिसोड 30-35 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच का है, यानी रोज 1 घंटे देखना है। और इसके बाद में जब ये पूरी वेब सीरीज कंप्लीट होती है तो लास्ट में क्विज आता है, वो क्विज देना है। उसके बाद इसी का कोर्स मटेरियल आप डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से, ताकि वो आपके पास में रह जाए। और फिर हर साल 4 चैंपियनशिप भी होती है, जिसमें आप वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना सकते हैं, और आप घर बैठे मेरिट में भी आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। आज तक आपने पढ़ना लिखना समझना सीखा, स्कूल भी वही करा रही है, कोचिंग भी वही करा रहा है, और महंगे महंगे एप्लीकेशन जैसे वेदांतु बायजूस भी वही करा रहे हैं, लेकिन याद कोई नहीं करा रहा। आपने वेदांतु का नाम सुना, देखा होगा ना टीवी पर, उसका एड भी आता है, कौन बनेगा करोड़पति में भी एड आता था, समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो समझ आएगा। अरे समझ भी आएगा, मजा भी आएगा, पर याद कौन कराएगा, क्योंकि याद कराएगा तो ही मार्क्स लाएगा। तो याद कराने के लिए अब आपके सामने है मेमोरी ट्रेनिंग, मेमोरी टेक्निक्स, जो आपको घर बैठे ही चीजें याद करा सकती है। तो आज तक आपने इस फील्ड में काम नहीं किया, पेरेंट्स भी अगर यहाँ पे बैठे तो मैं बात करता हूँ, आपने बच्चों की मेमोरी को कभी ट्रेन नहीं किया, जबकि एग्जाम मेमोरी से जुड़ा हुआ है। आप भी अपने बचपन में एग्जाम देने के लिए मेमोराइज करते थे, तो इस वक्त आपको बच्चे की सबसे बड़ी जरूरत है उसको मेमोरी ट्रेनिंग देना। लेकिन वो तभी पॉसिबल है दोस्तों, जब आप उसे घर बैठे ही अपने बच्चों को एक गिफ्ट दें। उनका उनका बर्थडे या तो आ चुका है या आएगा, इस साल कभी ना कभी होगा। मान लीजिए आपको तो आज से ही उनकी मेमोरी को तेज करना है, तो अपनी जिंदगी में एक अच्छा तोहफा उन्हें दे ब्रेन साइंस सॉफ्टवेयर के तौर पर। हर बच्चे को मजा आएगा, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया, मजा आया ना। ये तो सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन था, इसमें तो बहुत एनिमेटेड वीडियोज है जब आप उनको देखेंगे। और ये देखिए, ये पूरी वेब सीरीज है, और जब आप इसमें आगे बढ़ते हैं तो उसकी प्राइस क्या है मैं बता देता हूँ आपको। जब आप इस कोर्स को लेने के लिए जाते हैं तो आपने स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन, किताबें, इन सब के ऊपर स्ट्रेस में जाने के लिए और रट्टा मार मार के फिर पढ़ाई पे परेशान होने के लिए तो लाखों रुपए खर्च कर दिए। आज उसको ठीक करने के लिए आपको एक बार इसका इलाज करना है, अपनी मेमोरी पावर को बढ़ा करके, और वो है
3999 यानी 4000 रुपये में, 1 रुपया कम, 4000 रुपये, जिसमें आपको 5 फायदे होंगे। पहला, आपका एग्जाम रिजल्ट पहले से अच्छा होगा। दूसरा, आपकी मेमोरी 10 गुना तेज काम करेगी, यानी दूसरे बच्चे से 10 गुना ज्यादा, दो 10 बच्चे मिलकर जितना याद करते हैं 1 घंटे में उतना आप अकेले कर सकते हैं। तीसरा, जिंदगी भर याद रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं। चौथा, मतलब परमानेंट मेमोरी मिलेगी। चौथा बेनिफिट, पढ़ाई में एंटरटेनमेंट, उसमें मजा आएगा आपको, पढ़ाई बहुत इंजॉयबल लगेगी। और पांचवा बेनिफिट है, पढ़ाई के साथ साथ सफल बनाने वाली सक्सेस स्किल्स और सुपर पर्सनैलिटी बनने का चांस मिलेगा, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट भी यहाँ पर होता है। ये सब आपको मिलेगा, लाइव क्लास हमारी होती है, आपके डाउट सेशन होते हैं, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। और ये आपको आज मैं एक डिस्काउंट दे रहा हूं, आपको यहां से कुछ भी परचेज नहीं करना है, बस आपको इसका डेमो देख लेना है। डेमो देखने के बाद आज जिन्होंने भी आपको लिंक भेजा है आज का, आप उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे। देखिए बच्चों और पेरेंट्स, आप कहीं ना कहीं से तो ये लिंक आया होगा ना आपके पास में। आप अगर जहां से लिंक आया है उनसे कहेंगे कि मुझे इस सॉफ्टवेयर को यूज करने का एक्सेस चाहिए, फ्री वीडियो के बाद में बाकी वीडियो लॉक हो रखे हैं, उन्हें खोलने की चाबी, उसको बोलते हैं कूपन कोड। वो कूपन की या कूपन कोड जो, वो कहां से मिलेगी आपको, वो मिलेगी जिन्होंने आपको आज का लिंक भेजा है, और उनकी तरफ से आज एक डिस्काउंट दिया गया है, वो है 3000, यानी कि 1000 रुपए का डिस्काउंट। 1000 रुपए के डिस्काउंट के साथ आपके सामने कंटेंट प्रोग्राम है और 6 महीने तक आपके लिए वैलिड रहेगा। आप आराम से सारा कंटेंट देख सकते हैं, नई सीरीज को देख सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, चैंपियनशिप बना सकते हैं, और आप में जो बच्चे अच्छा करेंगे उनको हम हमारे सॉफ्टवेयर पे, हमारी वेबसाइट पर भी पब्लिश करेंगे। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप 6 महीने बाद भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि आपके सब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं, आपको वैदिक मैथमेटिक्स, अबैकस, आपको अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस, आपके सब्जेक्ट की नॉलेज सब भी आगे मिलने वाली है, तो इन सब में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो 6 महीने बाद ओनली 200 रुपीज मंथली से आप इसे सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। यानी उसके बाद आपको कोचिंग ट्यूशन किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ 200 रुपए महीने में आप ये सब कुछ कर सकते हैं 6 महीने बाद, और एक बार आपको 3000 रुपए देना है ना, कमाल की चीज। दोस्तों, पढ़ने लिखने समझने पर तो लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, पर याद करने पर आप एक भी अगर आप इन्वेस्टमेंट और टाइम नहीं लगाएंगे तो आप जो पढ़ लिख रहे हैं समझ रहे हैं वो सब वापस भूल भी जाएंगे, हजारों लाखों रुपए लगते भी जाएंगे और बाद में कोई स्किल भी नहीं बनेगी। यानी कि जब हम बड़े होंगे तो लाखों करोड़ों रुपए का लॉस भी हो चुका होगा और नॉलेज भी आज नहीं रहेगी, एक तरह से सब कुछ जीरो पे आ जाएगा वापस। ऐसा इंडिया के 97% स्टूडेंट्स के साथ होता है, 97% बच्चों के साथ जो ग्रेजुएशन करने के बाद संघर्ष करते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, जॉब तक नहीं मिलती, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि स्किल्स डेवलप नहीं होती। ये स्किल डेवलप होगी आपकी ब्रेन साइंस सॉफ्टवेयर से। इतने सारी चीजों के लिए अगर आप एक बार 3000 रुपए लगाते हैं तो आपको कोचिंग, ट्यूशन और महंगे महंगे एप्लीकेशन का पैसा उल्टा बचेगा। चॉइस आपकी है दोस्तों, आपको चॉइस करना है, केवल आपको लेफ्ट ब्रेन से या राइट ब्रेन से पढ़ना है या दोनों ब्रेन से पढ़ना है। पंचर गाड़ी में बैठ रहे हैं जिसकी हवा बार बार निकल जाती है, पंचर बना के चलना है। पुराने तरीके से पढ़ाई करनी है रटने वाले से, जो पैदल वाला तरीका है, या कार वाले तरीके से जो इंस्टेंटली याद कराता है, वो चॉइस आपकी है। लेकिन अगर आप एक समझदार इंसान है तो अब टाइम आ गया। देखिए, आपने सब कुछ बदला है। आपके घर में जैसे किचन है, आज से 50 साल पहले किचन ऐसा नहीं हुआ करता था, वहां चूल्हा था। आपके घर में जहां दीवार पे एसी है वहां पर 50 साल पहले हाथ से पंखा करा करते थे। आपके किचन, आपके बाथरूम में गीजर लगा हुआ है, उससे पहले लोग चूल्हे पर पानी गर्म किया करते थे। पहले लोग कपड़े अलग तरह के पहनते थे। घर में टीवी नहीं होता था, कहीं जाने के लिए साइकिल हुआ करती थी। सब चीजें बदल चुकी हैं आपकी, अब आपके पास सब कुछ नया है। एक जमाने में चिट्ठी पहुंचाते थे, उसके बाद लैंडलाइन फोन होता था, आज आपके पास स्मार्टफोन है। सब कुछ चेंज हो गया। आप घर पे खाना मंगाने के लिए एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका आज तक आपका वही है। आपके स्कूल में स्मार्ट बोर्ड आ गया है, लेकिन आपका स्मार्ट ब्रेन आपने यूज नहीं किया है। यानी कि आपने सब कुछ बदला, तो क्यों ना पढ़ने और याद करने के तरीकों को बदलें। ये सारे मेथड आपका वेट कर रहे हैं, इसके बाद बन जाएंगे आप सुपर किड। अगर आप सच में समझदार हैं तो इसमें आगे बढ़ेंगे। किससे बात करनी है आपको? जिन्होंने आपका आपको लिंक भेजा है आज का, और ये मैसेज देने के लिए यहाँ पर हमारे कंपनी के प्रमोटर, जो कि ब्रांड प्रमोटर हैं, जिनका नाम है शर्मन जोशी, जिन्होंने 3 इडियट मूवी में देखा होगा आपने राजू, 3 इडियट मूवी थी भी इसी बात पर, है ना, बच्चों के स्ट्रेस पर थी, पढ़ाई के तरीकों पर थी, एक्सपर्टीज पर थी, उसमें राजू थे ना, उन्होंने क्या कहा है जरा देखते हैं। हो सकता है जूम की वजह से आवाज थोड़ी कम आए आपको, फिर भी ट्राई कीजिए समझने के लिए कि वो क्या कहना चाहते।
तो दोस्तों इट इज अ टाइम जब आप अपने पेरेंट्स को भी कह दीजिए कि या तो आज के बाद हमें याद करने को मत बोलना या फिर याद करने के तरीके सिखाओ। हम पुराने खटारा गाड़ी में नहीं जाएंगे, हम नए तरीके से पढ़ेंगे। हम पंचर गाड़ी में नहीं बैठेंगे, हम हमारे ब्रेन का पंचर बना करके सही करके ही आगे चलेंगे। तो ये टाइम आ गया है, ऑल द बेस्ट, हमेशा इंटेलिजेंट बने, अच्छे मार्क्स पाने के लिए अब टाइम है साइंटिफिक तरीके से पढ़ाई करने का। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो तुरंत कॉन्टेक्ट करें उनसे जिन्होंने आपको आज का लिंक भेजा है, और इस एप्लीकेशन का की लें, इसका चाबी लें और आज से ही स्टार्ट करें ब्रेन वुड ब्रेन साइंस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बी हैप्पी ऑलवेज, हमेशा खुश रहिए आप।